जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल। आज मैं आपको बताने वाला हूं द्वितीय सोपान के क्वेश्चन नंबर 5 के सी पॉइंट को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस क्वेश्चन में दिया है कि सिर, हाथ, घुटने, पैर, ठकने और हाथ के फ्रैक्चर के लिए तिकोनी पट्टी के उपयोग का प्रदर्शन करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने 4 पार्ट में बनाया है, यह दूसरा पार्ट है। और इस दूसरे पार्ट में मैं आपको हाथ और घुटने पर तिकोनी पट्टी का उपयोग कर यानी बांध कर बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर को एक बात मैं बता दूं कि आप एक फर्स्ट एडर हैं, डॉक्टर नहीं। यह जो हाथ और घुटने पर तिकोनी पट्टी के उपचार आपको बताया जा रहा है, यह नॉर्मल यानी साधारण उपचार विषम परिस्थितियों में करने के लिए बताया जा रहा है। तो जो उपचार आवश्यकता अनुसार हो उसे कर दें, और अगर ज़्यादा है तो उपचार करते हुए आप डॉक्टर के पास ले जाएं। तो इसके पहले की जो भी वीडियो है मैंने पहले ही बना दिया है, उस वीडियो का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख समझ और लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तिकोनी पट्टी का उपयोग। तो हाथ पर तिकोनी पट्टी का उपयोग, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाथ पर तिकोनी पट्टी का इस्तेमाल। अगर हाथ के पंजे पर चोट लग जाए तो हम तिकोनी पट्टी का कैसे इस्तेमाल करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस हाथ में चोट लगी होती है उसके पंजे को हम इस तरह से रखते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं कि हम स्कार्फ का जो पॉइंट वाला भाग होता है यानी आगे का जो भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ करते हैं। और इसके बाद हम इस हाथ को उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं। हाथ को ऊपर रखने के बाद इसको हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो पॉइंट वाला भाग होता है यानी आगे वाला जो भाग होता है इसको हम मोड़ के हाथों पर रख देते हैं। हाथों पर रखने के बाद इधर का सिरा एक दूसरे के विपरीत ले जा करके आवश्यकता अनुसार हम इसको कसते हैं और लपेट कर हम यहाँ पर डॉक्टरी गांठ लगा देते हैं। डॉक्टरी गांठ लगाने के बाद जो हमारा पॉइंट वाला भाग होता है इसको हम थोड़ा सा खींच कर आवश्यकता अनुसार टाइट करके हम इसको सुव्यवस्थित करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिनअप कर देते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि इसको हम दोबारा यहाँ करके और इस तरह से इसमें फंसा देते हैं, इसको रोक देते हैं, गांठ नहीं मारते हैं क्योंकि गांठ दोनों तरफ हो जाएगी, इसलिए हम गांठ नहीं मारते हैं। आवश्यकता अनुसार इसको क्या करते हैं, एक और राउंड लगा के इसको फंसा देते हैं और इसका जो पॉइंट वाला भाग होता है, आगे वाला भाग होता है, इसको हम मोड़ कर यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा देते हैं। और यहाँ हम बहुत ध्यान देते हैं कि हाथ में ये चुभे नहीं। और इस तरह से तिकोनी पट्टी का हम हाथ के पंजे के चोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है घुटने पर तिकोनी पट्टी का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं घुटने पर तिकोनी पट्टी का उपयोग, यानी कि जब घुटने पर चोट लग जाती है तो हम तिकोनी पट्टी से कैसे उस घाव को छुपाते हैं, बांधते हैं मलहम वगैरह लगा के। तो हम तिकोनी पट्टी जब भी इस घुटने पे बांधते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा आधार वाला भाग होता है वो नीचे की तरफ होता है, आधार वाला जो भाग होता है वो नीचे की तरफ होता है और जो पॉइंट वाला भाग होता है वो हमेशा
जंघा यानी शरीर की तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आधार की तरफ हम क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के विपरीत यानी इन दोनों भुजाओं को एक दूसरे के विपरीत हम लेकर जाते हैं और आवश्यकता अनुसार इसको हम कस देते हैं। आवश्यकता अनुसार कसने के बाद हम इसको ऊपर लाते हैं और हम फिर यहाँ पे डॉक्टरी गांठ, चपटी गांठ, चौकोर गांठ, रिफ नॉट लगा देते हैं। लगाने के बाद हम इसको यहाँ रख कर भी इसको हम सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे पिनअप कर सकते हैं, या तो हम इसको इधर से यहाँ अंदर की तरफ छुपा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं, ताकि जो ज़्यादा और इसके बाद जो हमारा पॉइंट का भाग होता है इसको हम सुव्यवस्थित तरीके से करके मोड़ कर और इस रिफ नाट को हम क्या करते हैं, ढक देते हैं और पिनअप कर देते हैं। और इस तरह से ये हमारा घुटने पट्टी कोनी पट्टी का इस्तेमाल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का उदाहरण स्वरूप आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।